वेलकम टू सानिध्यास। आज हम बनाएंगे टेस्टी पनीर मसाला टिक्का। टिक्का मसाला बनाने के लिए ये मैंने होममेड 300 ग्राम पनीर टुकड़ों में काट लिया है। ये शिमला मिर्च, एक प्याज, इन दोनों को मैंने डाइस कर लिया है। ये दही है, करीब करीब एक कप दही लेना है। ये कुछ मसाले हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक। ये मैंने तंदूरी मसाला लिया है, आप इसे डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये कसूरी मेथी थोड़ा सा मैंने भून के क्रश कर लिया है। ये दो एक चम्मच बड़ी चम्मच सत्तू है, इसे मैंने हल्का भून लिया है। और ये एक चम्मच सरसों का तेल, इन सबको हम मिला करके मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं इन सभी मसालों को दही में पहले डाल दूँगी। इसका अब मैं एक स्मूथ पेस्ट बना ले रही हूँ। पनीर में ये पूरा अच्छे से कोट हो जाता है। इन सबको इसमें डाल देना है। अब ये जो मैंने तैयार मसाला किया है इसे इसमें डाल देंगे और इसे एक घंटे के लिए ढक के छोड़ देना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैंने सरसों तेल डाला है इसमें। ये देखिए हमारा मैरिनेटेड पनीर, इसे हम इसमें डाल करके हल्का सा भून लेंगे। इसका इसे धीमे हाथों से डालिए। इसे यूं फैला करके फ्राई होने दीजिए। पनीर हमने थोड़ा सा चला लिया है, इसे धीरे धीरे इस तरीके से उलट पलट करके इसे सेक लेंगे। टिक्का बना करके मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए लाल मिर्च एक चम्मच, ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, एक चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक बड़ा प्याज पीस कर रख लिया है, एक बड़ा टमाटर पीस के रखा है और ये टमाटो केचप। इससे ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए हम अब अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी लगाने के लिए तेल डाल दिया है, सरसों का तेल, ये दो सूखे मिर्च और दो तेज पत्ते डाल दिए। इसमें अब हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ये अनियन का पेस्ट डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। आज हमारा भून गया है, अब हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे। कसूरी मेथी छोड़ के इसमें सारे मसाले डाल देना है। और ये टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला हमारा पूरा भुन चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी में उबाल आ जाएगा फिर हम अपना टिक्का जो हमने रेडी किया है उसे डालेंगे। थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है उसे डाल देंगे। इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा बॉईल हो चुका है, इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और ये जो टिक्का हमने रेडी करके रखा है इसको डाल देंगे और इसे 2 मिनट पकाएंगे।
और ये केचप भी डाल देंगे जो हमने रखा था। हमारा पनीर टिक्का मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा पनीर मसाला टिक्का बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। थैंक यू।